आप स्टेज पर जाते हैं, माइक हाथ में लेते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं और एक वर्ड पे अटक जाते हैं, बट वो लोग आपको भूल जाएंगे कि आपने उस वर्ड पे स्टैमर किया है, बट आप उसको बार बार याद रखेंगे अपने लाइफ में कि मैं उस स्टेज पर स्टैमर किया। तो हम लोग क्या गलती करते बहुत बार कि हम लोग फर्स्ट टाइम जब स्टैमर करते वर्ड को रिपीट ही नहीं करते। सर हमको स्टेज पर जा करके बात करना है और वहां पर हम गए और माइक को अपने हाथों में ले लिए और बात करना स्टार्ट किए, तो सर अगर हमको सर स्टार्टिंग में सर दिक्कत हो जाए या किसी वर्ड पर स्टक हो जाए तो सर उसके बाद क्या करना है? मतलब सर मैनेज नहीं करना है हम, मतलब हायर नहीं करना है सर। अगर हम जो वर्ड बोल रहे हैं हम दिल से वो बोलना चाहते हैं और उसमें सर हम स्टक हो जाए तो ओके पर क्या करना है सर? आप स्टेज पर जाते हैं, माइक हाथ में लेते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं और एक वर्ड पे अटक जाते हैं, तो वो वाले फीलिंग को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए क्या होता है, उस समय जब आप माइक पे बात कर रहे होते हैं और आप सभी टेक्निक्स को ट्राई कर रहे होते हैं, बट सडनली एक ऐसा वर्ड आता है जो आपसे नहीं निकलता है। तो जब आपसे वो वर्ड नहीं निकलता है और आप वहां पर बोलते हैं तो लोग आपको देखते हैं, राइट? और उसको देखकर आपको अजीब लगता है कि यार अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, सडनली ये क्या हो गया जो मेरे लाइफ में निगेटिव एक्सपीरियंस हो गया, और वही निगेटिव एक्सपीरियंस आपका कॉन्फिडेंस नीचे लेकर आता है। बट अर्जुन एक बात बताइए कि जब आप उस वर्ड पे अटकते हैं फर्स्ट टाइम और अगर आप उस वर्ड को रिपीट कर सकते हैं उस सेकंड टाइम, तो आपको नहीं लगता कि सेकंड टाइम वो वर्ड इजिली आ सकता है, चांसेस ज्यादा है? अच्छा आने के, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए, जैसे कि आप एक वर्ड को बोल रहे हैं जो आपसे नहीं निकल रहा है, स्टैमर हो रहा है, आपने उसी वर्ड को रिपीट किया और उसी वर्ड को आपने वापस से रिपीट किया, तो मुझे बताइए जब आपको ऑडियंस बहुत बार हुआ है सर मेरे, जब आपको ऑडियंस आपको सुनता है पहले बार स्टैमर होकर, तो आपको देखता है कि ये इंसान स्टैमर कर रहा है, ठीक है, बट वो लोग आपको भूल जाएंगे कि आपने उस वर्ड पे स्टैमर किया, बट आप उसको बार बार याद रखेंगे अपने लाइफ में कि मैं उस स्टेज पर स्टैमर किया। बट दोस्तों नोटिस कीजिए, अगर आपने उस वर्ड को रिपीट किया वन सेकेंड और आप उसमें स्टैमर नहीं किए और सेम एक्सपीरियंस था, सेम ऑडियंस था, सेम सिचुएशन था और आप वहां पर उस वर्ड को बोल पाए, तो अल्टीमेटली आप अपने माइंड में उस वर्ड के लिए एक्सपीरियंस अच्छा बना रहे हैं, क्या बोल पा रहे हैं उस वर्ड को। तो हम लोग क्या गलती करते बहुत बार कि हम लोग फर्स्ट टाइम जब स्टैमर करते वर्ड को रिपीट ही नहीं करते, और जब हम वर्ड को रिपीट नहीं करते उस समय हमारा जो एक्सपीरियंस है उस वर्ड को लेकर वो खराब रहता है, जो हमें लाइफ टाइम याद। तो अगर आप उस वर्ड को रिपीट करते हैं और वो अच्छा निकलता है, तो अगेन आप उस निगेटिव मेमोरी के ऊपर एक पॉजिटिव मेमोरी को क्रिएट कर रहे हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। आप अपने मेमोरी को क्रिएट कर रहे हैं जस्ट बाय रिपीटिंग द वर्ड। तो अर्जुन आप ऐसा कर सकते कि जब भी आप स्टैमर करते रिपीट कर दीजिएगा, आप नोटिस करेंगे कि जो आपको निगेटिव फील हो रहा है सडनली वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इसके अलावा उस मेमोरी को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि वो सेम लोग, सेम ऑडियंस, सेम सिचुएशन आपके लाइफ में कभी नहीं आते वापस। तो ये आपका आंसर हो जाता है।